तो फ्रेंड देख सकते एकदम अंधेरा है घर। अब भी आ रही हो? इसको ना झाड़ू से झाड़ दिया और सारा बेड बाहर निकाल गया। तो फ्रेंड अभी देखिए मानसिक पापा कहाँ घुसे हुए हैं। पूरा अच्छा बंधन वाला मिठाई था तो थके हारे मानसिक पापा खा रहे। तो हम बाहर निकाल रहे हैं सारा सामान दोस्तों, क्योंकि मैं देख तो अभी जाके सुकून मिला है दोस्तों, इधर का सारा कर दिए हैं। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से सबसे पहले गुड आफ्टरनून। और आज रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन तो वैसे बीत गया, और मानसी उसी टाइम से देखिए इधर तीनों, दो भाई और एक बहन, तीनों लोग खेल रहे थे यहाँ पे। और अभी काजल खटिया यहाँ लेके आई है बैठने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल भी हम गए थे गेट के लिए, मतलब तीन दिन से दौड़ा रहे हैं वो, और आज भी नहीं आए अभी तक। तो चलिए हम जाके एक बार पता करके आते हैं क्या समस्या है ना। हमको ना जितना ना क्या बोलते हैं बड़ों में अच्छा नहीं लगता, जैसे कि हो गया अपने सम्हरिए के लोग, उतना बच्चों में अच्छा लगता है। शुरू से बच्चों लोग के साथ रहते हैं। और ये देखिए कहाँ से करिए कौन, हाँ वो बढ़िया दूध होना लिया होता नहीं, टिफिन में तो लटका के तो ओकरे से रेगरा इलवा। एक दिन यहाँ यहाँ देखिए किधर गैस सिलेंडर ला रहे थे ना, तो अनुज ऐसे उतारा गैस को तो उससे रोका नहीं गया, तो बेचारा इस पर रगड़ दिया। तो इस पर अल्ता लगाए हैं, वाइट कलर का अल्ता मारे। इसका स्प्रे आता है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। क्या हो गया पापा? एक साल नहीं हुआ गाड़ी का पापा। हम्म, गाड़ी को क्या हो गया? स्क्रैच आ गया बेटा। कैसे? सिलेंडर से। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। इधर लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएगा। आपको कितना सारा पैसा मिला राखी बांधे थी तो? मिला। तीनों भैया चॉकलेट दिए थे एक एक, वो वाला डेयरी मिल्क का। और राखी बांधने से पहले ही फुसला फुसला क्या लाए हो, दिखाओ दिखाओ, ऐसे बोल बोल के सारा लेके खा गई मानसी। मैं गया तो मेरे को लो लो खाओ, कुछ नहीं होता है खाओ। बाद में राखी बांधी थी। तो चलिए आप सब बने रहिए हमारे साथ, और चलिए सबसे पहले गेट वाले के पास चलते हैं, क्योंकि बोलेंगे कि भाई लगाना है तो लगा दीजो, और नहीं लगाना है तो बताइए, हम दूसरे के पास जाएंगे, है ना। क्योंकि इतना दिन कौन वेट करता है, बहुत सारा काम है ना दोस्तों, इसलिए इतना वेट नहीं कर सकते, एक चीज के पीछे इतना नहीं भाग सकते। टूट जाएगा। खाना पीना खा लिए थे और अभी गए थे छत पे अपने, बड़े पापा भी वहीं हैं। और आए तो देखिए घर में कितना सारा चीखी है। हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नीचे में चारपाई डाल के सोएंगे यहाँ पे, लेकिन ये देखिए वो, और ये उड़ने वाली चींटियाँ, इस वजह से नहीं सो सकते नीचे में। अब एक ही पे फिर सोएंगे, क्योंकि गर्मी जो है ना आज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की गर्मी है, क्योंकि बिल्कुल हवा नहीं चल रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे। एंड अभी काजल को ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, इसका मतलब वही वाला बीमारी जो एलर्जी वाला होता है ना, बार बार छींकना, तो वो चीज़ हो गया। तो अभी दवाई लेने गए थे वो काजल के लिए, दवाई लेके आ गए हैं। मानसी अभी नहा लिए, कपड़ा पहनने के लिए बोल रही है ना बेटा। इतना सारा कपड़े हैं, काय सुखा उतर काजल, ये धोना है इसलिए यहाँ रखी आंगन में। और धूप तो बहुत ही ज़्यादा है, और ये लकड़ी जिनका है, चलिए उनको बोल देते हैं कि ये थोड़ा और साइड कर लेंगे, नहीं तो घर पे लेके चले जाएंगे, क्योंकि ना इधर से पत्ता जो सूख रहा ना, तो हवा से पूरा झड़ के अंदर जा रहा है। और ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, पूरा साफ सफाई भी करना है। अभी देखिए काजल ने पूरे झाड़ू लगाया था, ये मानसी ला के रखी, पूरे में झाड़ू लगा दिए, लेकिन क्या करना है ना, ये सारे घास जितने हैं पूरा मतलब कि एकदम क्लीन करना है, कहने का मतलब हम चिकन बोलने जा रहे थे, भोजपुरी में वही बोलते हैं, तो पूरा क्लीन कर देंगे। छत पे भी काम है, एक तरफ जो स्पेस एरिया छोड़ा गया ना यूटिलिटी एरिया, उसको साइड साइड से मतलब कि घेरना है, कहने का मतलब ईंट साज देंगे। बच्चे उच्चे का डर होता है ना, बच्चे बड़ी शरारती होते हैं, कहाँ जब कहीं जाते हैं ना तभी चिल्लाते हैं, कहाँ। तो चलिए पहले चलते हैं। तो दोस्तों अभी मानसिक पापा जा रहे हैं सीमेंट लाने, क्योंकि अंदर में कुछ काम है सीमेंट का बहुत ज़्यादा, उससे रिलेटेड हमको छींक छींक आ रहा है, और धूप बहुत तेज है। मानसिक बेटा खेल रही है यहीं पर, हाँ सबका दे ले, गाड़ी से ढक के लेकर जाए। तो हम लोग चल रहे हैं, कहाँ है तेरू, चलो तो चल रहे हैं दोस्तों। और देखिए पता कितना गिर गया, इस आइए बताते हैं क्या करना। इससे पहले ये जो होल है ना, इसमें बाहर से तो वैसे भरा हुआ है, लेकिन अंदर से भी इसको पूरा बंद करना है, हाई वाला हाई। हाँ फ्रेंड देख सकते हैं अनुज बाबू तगाड़ी लेके आ रहे हैं, अब हम लोग बनाएंगे इधर। मानसिक पापा जाए बालू लेके आए,
हाँ है टूट गल बा ना जी है टूटल बा से में नहीं खे तो अब बालू लेके आएंगे वहाँ से। तो चलिए और मसाला बना के ना हम दिखाते हैं कि मसाला बना के क्या करेंगे। सीमेंट मंगा दिए हैं वो तिरपालवा टांगे बचा के अथी करम लो आए तो दूसरा तिरपाल खरीद के हम टांगेंगे और आप सब बने रहिए। हो सकेगा तो शाम को हम जाएंगे मंदिर थावे तो आप लोग को दिखाएंगे, बहुत अर्जेंट काम है इसी वजह से। तो सोचे कि उसको बंद कर और देते हैं फिर नहा धोवा के निकलेंगे। तन मन से उठाई मन से नहीं उठा रहे हैं तो दोस्तों यहीं पर बनाएंगे मसाला को और 12 बजे करीब में खाना खाए थे हम लोग। ऐसे बनाए लो आए तो नीचवा हुए एक तसला तन उजर का बोलिए लेके डाल दे कि घासो भर जाओ है तो सालो में ना बना दे बना दे लो तो ना मामा की ना तो आए वे गाने तरीके। तो दोस्तों अभी ना घर में जो होल छोड़े हैं सिर के पास होते थे उसके वजह से ना खाली गर्दा आ रहा है, रात में पंखा चल रहा है तो या फिर ऐसे में भी गिरता रहता है मिट्टी तो उसी को सोचे है बंद कर देंगे। और जो टॉयलेट हमारा है किचन नहीं वॉशरूम तो उसको भी हम अच्छे से बनाएंगे। पूरा फट गया नीचे में पानी जाता है फिर घर में भी पूरा दरार पड़ गया साइड में तो सारा को सीमेंट से अच्छे से कर देंगे। और इस सीमेंट का ना न्यू घर पर भी काम है जो कि थोड़ा सा बाउंड्री में छूट गया है सीमेंट भी ना बाकी रह गया था बालू तो है तो उसी से बाबा जो चप्पल की है न्यू घर पर चप्पल छूट गया ठीक है अभी ला देंगे। कोई एक के बनावा था लो जी ऐसे ही बना दे रहे एक तसला में हो जाएगा। धनिया तोड़ देने लो और सब हटा दे इसी को बंद जगह से कोई तने हो जाए ग्राम लो ना नो कोची तो हुआ मच्छरदानी होने साइड में निकाली हनुज बाबू सारा सारा निकाल के होने छोड़ दे होने अलग होने रखे। तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा ये एक्चुअली में क्या है कि हम लोग तो कैसे भी दुख काट लिए लेकिन काफी लोग आने वाले हैं ना तो किसी किसी हो सकता है डर लगेगा इससे ना इसी वजह से इसको बंद कर दे। डिलो मेरी लल्ला को क्या हुआ कुछ नहीं क्या लग रही हो मैं हाँ। आपको तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है बच्चे। मम्मा मैं खाना बनाने जा रही थी इसलिए गर्मी हो रहा है। मैं कैसे बना खाना बनाऊंगी देखो मेरे पास मिट्टी भी नहीं है। मिट्टी भी नहीं है खाना बनाने के लिए हाँ। मिट्टी से नहीं खेलना चाहिए बेटा। मैं कैसे खाना बनाऊंगा आपको खेलने का टाइम होता है जाओ जाओ भैया है बाहर में मांग लेना सोनू भैया से मिट्टी ठीक है। मेरा बर्थडे इसलिए बड़ा वाला केक बनाऊंगी मिट्टी से हाँ। कल बड़ा वाला केक बनाई थी मेरे बर्थडे के लिए। बहुत ज्यादा बहुत हार्डली गर्मी हो रहा है दोस्तों सबका वही हाल है। आज ना मैं मतलब शौक में थी कि आज क्या बात है कि मानसी के पापा मेरे से बिना मैं एक भी बार नहीं बोली फिर भी जाके नहा लिए। नहीं तो ऐसे में तो मैं 10 बार बोलती हूँ तब जाके ये नहाते हैं। दो बार नहा चुका हूँ तीसरा भी नहा है। आज ना बिना पूछे ही ऐसे जाके नहा ले रहे इतना गर्मी है कि निकाली ना सुनाऊ में से सारा कुछ माता जी ने फोटो को हटा दी चिपकीली लोग तो और परेशान कर देखिए क्या रंग आया दिल का लगाना मस्त बस तेरा मेरा दवाई है सर्दी का नीचे गिरा था और बाकी सब में ईंट लगा के सीमेंट बालू से भर देंगे। क्या बेटा नीचे रखे फ्रेश चौकी पर कहाँ वो चौकी पर चौकी फिर एथियो चाहिए बासुली सीढ़िया पर आना सीढ़ी पर बिजली वेला काम है आवे दिस इज माय दवाई इसको राम बांधन के लिए इधर ये सब फेंकते मानसी को देखो क्या लग गया है बेटा को ना तो कुछ नहीं लगा है मम्मा दिल का रूपा मन मस्त मन बेटा ये देखो चूहा नहीं क्या सुना छोड़ दे चूहा तो क्या कर यानी गिरे तो सब बाहर ले बनो नहीं उसमें चूहा नहीं है तो नहीं है के हो ले पहले के हो ले रहनी है सा कहां वाला से कुछ भी नहीं है कुछ नहीं कर रहा तो लकड़ी से देख ले
सोनू बग बोल डरते हैं। हाँ देखिए हर जगह बात मुझे सब में आई इसको भी क्या बेटा देखिए चलो नहीं घर पर बसली यहीं पर था। बड़े पापा सीढ़ी साफ करके पता ना किधर रख दिए हैं देखती हूँ। देखिए बापे बेटे क्या कर रहे हैं नहीं दूंगी ले हाय करके जाए जी और बाहुबली है आ फिर घरों में कहेंगे लेके हेलम रुको इतना सीमेंट बालू साली है। आ जा बेटा अब बाहर कोई नहीं है सोनू बाबू मोबाइल यहीं छोड़ दिए मेरा मार्केट जा रहे हैं ऐसे ही छोड़ देते चलाते चलाते हम चल जाते हैं अंदर को उठा ले जाता बेटा चाकू रख दो चलिए अंदर चलते हैं। का भाई जी ऐसे ऐसे किया अब यहाँ से फिर नीचे कैसे करते हैं कितने लोग हम टीवी या पहले ऐसा तोड़ रहे हैं कि बनेगा रे बस बस ए बाहर ये तोड़ के ले आए रहते लो अब अरे नीचे के हाल के अब ऑयल बैग दो मानसी देखिए क्या कर रही है क्या बना रही हो केक बना रही है। हाँ वहाँ लो मार्केट गनी है लो हाँ जी मार्केट गनी है लो वहाँ लो और देखिए मानसिक पापा ईट तोड़ रहे हैं बस हाँ बस आ जाइए और यहाँ उधर टुकी टुकी बा सोहक ना तोड़े टुकी टुकी तोड़ दम सर जोर से मारते कल खचाक से उतर दे एक बार में कब ना टूटा आ जाइए बहुत बस ना आ जाइए क्या गिफ्ट मेरे लिए गिफ्ट लाई है आप हाँ चलो केक बनाए आप इतना मेहनत करती हैं मैं उधर खुदाई कर रही थी खुदाई कर रही थी इसलिए आपको इतना सारा पसीना हुआ इधर देखो तो मेरे तरफ देखो इधर आप पूछ लो बाप कितना लल्ला को पसीना हुआ है ना ये रहना ध्यान से ठीक है कहीं मत जाना मैं अंदर जा रही हूँ पापा को देख रही हूँ क्या कर रहे हैं अब भी आ रही हो आ जाओ सर हो गए बस दो चार और बच्चे मार दे लो इसे हम हसुलिया से बसुलिया से कहीं बहुत ना अंदर बस सात आठ होगा अभी अपने कहीं जाओ बड़का मत कटियो चलो बाहर चलो माटी लागत सबसे डर भाई है खाना बनाने तीन चार पाँच छः एक और उड़ा दे तारवा उमे उमे सब पका दे ले उमे फिर रख के बड़ो बांध दे ली है नु बस और बाकी सब देखिए अब एकदम प्लेन दिखेगा हमारा घर का लुक देख सकते हैं लख के हाथ से हैंगर लेवर दे सब सूख जाए पंखा चलाता घूम रही हूँ बताओ और लाइट सारा कट कर दिया क्योंकि बोर्ड में लाइट जाने का डर था इसी वजह से तो फ्रेंड देख सकते एकदम अंधेरा है घर में मुदाई चालू है लेकिन बाहर में ना बहुत ज़्यादा बारिश आने का एक भी चांस नहीं है गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा शाम का भी 4 बज गया लेकिन धूप रहता है डेली आज धूप नहीं बस उमस है बहुत ज़्यादा और कब होगा कि 1 घंटा घर में लगेगा साफ होने सफाई करने में और मानसी बेटा को नींद आ रही है कहाँ सुलाएं एक एक रूम है इधर खाना है और उधर उतना सारा सामान इधर सोने का पूरा घर में सीमेंट बालू रुक जाओ सो जाना तो फ्रेंड देख सकते हैं इतना सब हो गया सारा बंद कर दिए मौका को और बेड का तो हालत बहुत ख़राब हो गया मानसी को थोड़ा हम सुलाने लगे थे इधर देख सकते हैं खटिया ला के सुला दिए थे तो बाकी इसको और इधर मोड़ना पड़ेगा आपको चारों ओर माटी माटी बताइए इसमें किसको एलर्जी जिसको नहीं होता होगा उसको भी होगा ये सारा सब झाड़ेंगे
थक हार गए, हो गया सारा कुछ, लेकिन घर का हालत इतना खराब हुआ कि अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, मानसी पापा भी उधर आराम कर रहे हैं, हम भी बैठे हैं। मानसी यहाँ देखिए टॉल ओढ़ के सोई है, तो फिर घर में लगेंगे सफाई के लिए। हम बाहर निकाल रहे हैं सारा सामान दोस्तों, क्योंकि ना अब क्या, सो जा बेटा सो जा, कोई बात नहीं, मैं देख, बस यहाँ इतने में सो जा, ठीक है यहाँ सो जाना, ओके। हवा तकिया इधर करके ऊपर रख ले जम सब, आए अब सब अच्छे से, चलिए अंदर में लगाते हैं। अरे मैं वो पंखा बंद कर दिया, देख सकते बहुत कंजास हुआ है, इसको ना झाड़ू से झाड़ दिया और सारा बेड बाहर निकाल गया है। और ना इसको यहाँ भी कोना में, हट बेटा बनाएंगे, और हट ना इधर भी अच्छे से मुन देंगे, चींटियाँ जो आ रही है उसको, अब बाकी बेड पे सो जा। और ये जो टूटा है यहाँ भी बनाएंगे, और इधर में भी वॉशरूम में भी अच्छे से बना लेंगे। सारा सामान गोटे लिया के यहाँ रख दे, अब तो उस पर दूसरा बेडशीट बिछाएंगे और बॉक्स पर, इसी वजह से। चलिए इस पर पानी गिरा के धोएंगे मस्त, लाइट जला दे ये वाला, इसी वजह से अंधेरा दिख रहा था दोस्तों। आराम से ना, तो सूखते रह जाए, पूरा घर धो लिया, इसको तो पोंछ देंगे इधर साइड का, कर लेते। अब चलिए सारा घर धोएंगे अच्छे से, देख सकते हैं इधर पानी जा रहा है, देखा पता न का उन्हें रूई हुई बावे निकलते नहीं थी। और हे हूँ कोना में मार दे, इस कोना में भी बहुत कचरा है, कौन सी बावे मत बजा बेटा, बॉक्स में पानी घुस जाता है आराम से, उस बार घुस गया था एक बार बॉक्स में पानी। दोस्तों फाइनली हम दोनों ने इतना मेहनत किया ये बॉक्स रखने में, हालत खराब हो गया था, फिर भी इधर इतना टेढ़े में है, भाई देखा जो इंटवा सीधा कभी है बहुत, भाई थोड़ा सा आगे घिस के, अरे लकड़े से ला बेटा, तो अब जाकर ये बॉक्स रखा पाया है। क्या हुई सुकून मिला है दोस्तों, इधर का सारा कर दिए है, व्हाइट पेंट मार देंगे चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अभी घर को धो रहे हैं, तो फ्रेंड अभी देखिए मानसिक पापा कहाँ घुसे हुए हैं, पूरा अंदर से साफ कर देंगे, क्योंकि हम नहीं घुस पाए, सूट वूट पहने तो पूरा उसी में थी हो जाता, पूरा मच्छर लोग गर्दा मचाया है, देख सकते हैं मानसिक पापा कैसे काट रहे हैं, अरम जी देख सकते हैं कितना मच्छर है। हाँ वही साबुन आ घुसा था, नहीं देखिए कितना घुस गया, झाड़ू पड़ा था हाउ होने के मैंने झाड़ू या तो रोवा ले रही है ना, भेज आई अच्छा बंधन वाला मिठाई था, तो थके हारे मानसिक पापा खा रहे, कितना मेहनत किए हैं आज। और पूरा सामान देखिए, सारा सामान बाहर हम निकाल दिए हैं, क्योंकि सारा अंदर काम हो रहा है इसलिए। और चलिए अब चल रहे हैं, पंखा चला के छोड़ दिया था ना, क्योंकि चौकी हमारा सूख गया बेटा, आप गिरना मत, आप आ रही हो तो पहुंच दिया अच्छे से। दोस्तों अभी देख सकते हैं बेड वगैरह मैंने लगा दिया है, और अलमीरा वगैरह सब सेट कर दिया, इसमें धो दिए काजल बढ़िया से, मच्छर बहुत ज्यादा काट रहा था, तो अब काफी अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों मैंने तो नहा लिया, बट काजल अभी नहीं नहाई है, अभी मैं सेट जा रही हूं, घर को सेट करते जा रही हूं। हाँ तो क्या है कि अभी काजल को बर्तन भी धोना है और उधर भी साफ सफाई करना है, और भी काम कुछ कुछ बचे हैं जो कि आज ही करना है रात में, बट ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और ये सब दोस्तों करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो जैसे तैसे रह लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर आएंगे तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी मानसी सो गए, देखिए कितना अच्छा सा बेड लगा दिए थे, एकदम मस्त बेड, वो तो दिखा दिया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा,
एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।